चलो भाई इस ऑफिस में रुके थे हम 2 nights, अब सुबह सुबह निकलते हैं। चलो बाय बाय। मोइन भाई तो अभी नहीं है जिनका ये ऑफिस है, और हम चलेंगे आज सूरत। शुरू करते ही पहली लिफ्ट मिल गई मेरे को, गोल्डन चौकड़ी पे जाना है। बोटा ब्रिज तक चलूँगा यार। ओके, रास्ते वहाँ से कितना बचेगा? वहाँ से ज़्यादा देखिए। ओके, मेरे को सूरत वाले हाईवे पे जाना है, उसके लिए गोल्डन चौकड़ी जाना पड़ेगा ना। मुझे जाना है गोल्डन चौकड़ी। एक्चुअली मैं स्टेशन तरफ जा रहा हूँ तो आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ। ओके, वहाँ से कितना बचेगा? वहाँ ठीक है, मैं फतेहगंज तक आपको छोड़ देता हूँ। ओके, फतेहगंज से गोल्डन चौकड़ी मिल जाएगी। ओके थैंक यू। मुझे जाना है गोल्डन चौकड़ी। गोल्डन चौकड़ी हाँ, वहीं पे जा रहे हो आप? हाँ। ओके ठीक है, थैंक यू। सूरत वाले हाईवे पे, सूरत सूरत हाईवे शुरू होता है ना वहाँ से। हाँ, आगे कर रहे क्या? हाँ, बाय बाय। चलो भाई, ये भाई ने हमें हाईवे पे छोड़ दिया है। दिल्ली से हमने ये सफ़र शुरू करा था, एक बार एक दिन लगा जयपुर आने में, मतलब कुछ घंटे, और दूसरे दिन आए हम अहमदाबाद, तीसरे दिन वडोदरा, और अब यहाँ से वडोदरा से सूरत होते हुए फिर मुंबई जाएंगे। आज सूरत में स्टॉप लेते हैं, हाईवे पे पहुँच गए। गर्मी हो रही है थोड़ी थोड़ी, काला चश्मा लगा लिया मैंने, सही रहता है ये। जो लोग मेरे से पूछते हैं ना कि सुरक्षित होता है कि नहीं, वो सब अब देखो, जैसे ये रोड है यहाँ पे, इनको क्या असुरक्षित लगता है पहुँचने वालों को, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ वो पूछ रहे हैं, कि सुरक्षा किससे, मतलब यहाँ पे है क्या इस रोड पे, आपको क्या दिखाई दे रहा है ऐसा, जो आप पूछते हो बार बार। और ज़्यादातर भारत जो मैं करता हूँ ट्रैवल, उसमें ऐसा ही होता है, रोड होता है, तो उसमें सुरक्षा मतलब किस चीज़ से पूछ रहे हो समझ में नहीं आता। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे, है क्या? मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने वो बना रखे हैं, जैसे भारत यात्रा में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अलग अलग वो आएंगे, तो उसमें आप क्या पूछ रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो आप, पहले ये तो बताओ भारत यात्रा में कौन सी सड़क आ रही है आपकी। तो सुरक्षा सुरक्षा उस पर डिपेंड करेगी, और एक टाइम पर डिपेंड करेगी कि दिन में कर रहे हो या रात में, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दिन में ट्रैवल करो। बाकी तो यार ऐसा कुछ नहीं होता जो लोग पूछ रहे हैं कि सुरक्षित होता है या असुरक्षित। मेरे को तो नहीं पता ऐसी कौन सी सड़क है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो कि असुरक्षित है या सुरक्षित। मैं तो भारत के बारे में बता सकता हूँ, भारत में सारी ऐसी सड़कें हैं, और यहाँ पे मेरे को असुरक्षित तो कुछ नहीं दिख रहा। जैसे ये तीन लोग बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मेरे को कुछ कर रहे हैं क्या? आपको कुछ कर देंगे क्या? पता नहीं यार। बेकार एकदम सवाल लगता है ये, क्या है ये सुरक्षा असुरक्षा, क्या कर रहा है कोई ये सड़क पर, आपको पता नहीं। थैंक यू। आप कहाँ जा रहे हो? राजपुर। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 150। ओके, ये आप आगे टांग सकते हो बैग? हाँ। ओके थैंक यू। चलो भाई, 150 किलोमीटर की पहली लिफ्ट मिली है हाईवे पर, ठीक है। मुझे जाना है सूरत। ओके चलो चलो चलो, इसको मत रोको, चलो चलो यार, रोक का है करिए, एक दिन बड़ा सा मत रोका। ओके बाय। इनका रास्ता तो बड़ी जल्दी कट गया यहाँ से, मुझे लगा आगे से जाके ही कटेगा सीधा, तो इनका रास्ता कट गया यहाँ से। ये देखो आगे धूप, आगे बादल हो रहे हैं, यहाँ पे धूप हो रही है। ये देखो बढ़िया नज़ारे चल रहे हैं, एक गाड़ी आके रुकी है हमारे लिए, गुजरात की गाड़ी है, तो देखते हैं कहाँ तक जा रही है ये, टैक्सी ना हो। थैंक यू।
जाएंगे? नमस्ते, मैं जा रहा हूँ सूरत। छोड़ देता हूँ, बैठो। ओके, कितना किलोमीटर? लगभग 60 किलोमीटर। ओके, थैंक यू। 60 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है। हाँ, इसको रख देता हूँ। चलो भाई, 60 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई है। और ये भाई कहाँ से? आप गुजरात से? मेरा नाम हेमेंद्र सिंह चौहान है, मैं गुजरात से हूँ। ओके, मेरे जैसे चश्मा पहना है आपने भी। हाँ, ये डीकैथलॉन से लिया है। अच्छा, आपको देखा मैंने, बाय रोड जा रहे थे आप। हाँ, तो क्या है, गुजराती आदमी थोड़ा दयालु होता है, दे देता है लिफ्ट। थैंक यू। हम भी एडवेंचरस है और आप भी घूम रहे थे, हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आपका भाई साहब नाम बता दीजिए। अफसार मलिक। मलिक साहब को हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। आप भी घूमते रहते हो क्या? हाँ, हम घूमते रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ मैं। ये चश्मा डीकैथलॉन से कितने का लिया आपने? ये चश्मा जीरो चश्मा मैंने डीकैथलॉन से लिया 950 या 1250, दो में से कोई एक रेंज है। ओ भाई, मेरा तो बड़ा सस्ता पड़ गया फिर। ठीक है, ठीक है, आज सूरत पहुँचेंगे। अगर मुंबई की डायरेक्ट मिल गई तो नहीं, मुंबई नहीं जाएंगे यार, आज सूरत में रुकेंगे डायरेक्ट में। फिर बन नहीं पता कंटेंट में, भाई साहब को यही बता रहे थे, बोले थे कि मिल जाती है लिफ्ट। बोला मेरे को तो डायरेक्ट मिल जाती है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं तो शूट करना है ना, क्योंकि मेरा रास्ता कवर करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरे को तो वीडियो बनाना है ना, इसलिए। हाँ, तो हम डायरेक्ट वाली पहुँच छोड़ देते हैं। यहाँ से मुंबई है 415 किलोमीटर, वडोदरा तो एडजोइनिंग चल रहे। हाँ, एक उत्तराखंड की गाड़ी आई है। ओ भाई, गुजरात में उत्तराखंड की एक लाल गाड़ी। ओके, अब मुझे लगता है ये डायरेक्ट जाएगी। ओके, मुंबई भी मिल सकती है, तो मुंबई चला जाऊँ क्या? थैंक यू। आप कहाँ जा रहे हैं? भरूच। ओके, कितना किलोमीटर है यहाँ से? 30। ओके। हाँ, लिफ्ट और पैदल चलता हूँ मैं। अच्छा, आप उत्तराखंड से हो? कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल। ओके, इसका क्या नाम है कैमरे का? GoPro Hero 7। तो ये गाड़ी में हमें काफ़ी लंबी लिफ्ट मिली है। अभी सूरत बचा है 72 किलोमीटर, जहाँ से चला था वहाँ से 150 किलोमीटर था। 150 किलोमीटर्स में से अब बचा है 72 किलोमीटर। ये भारूच पहुँच गए हम। ठीक ही हो रहा है मौसम, भूला तो नहीं मैंने, तो मेरे को बार बार डर यही लगता है कि कुछ भूल ना जाऊँ मैं। एक दो बार भूल गया ना, मेरे को तब से वो हो गया यार कि सोचो कैमरा अगर गया, कैमरा मोबाइल, ये दो इम्पोर्टेंट है वैसे तो, बाहर जो रहता है और ये बोर्ड रहता है बाहर, कभी कभी हेलमेट बाहर रहता है। ठीक है, पर यार जो मज़ा आता है ना ये ट्रैवल करने में, जो कोई कंपैरिजन नहीं है। फ्री में मतलब पूरा भारत घूम रहे हैं यार, सोचो। जब मैंने शुरू किया था ना, तब मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा ईजी है। ओके, रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? ये जब मैंने शुरू किया था तब मुझे इतना ज़्यादा ईजी है पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास ये बोर्ड भी नहीं था तब। बाद में जब ये बोर्ड आया तब तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, लेकिन जब बोर्ड बनवाया था तब भी नहीं इतना पता था कि बोर्ड से भी इतना ईजी हो जाएगा। बस चलते जाओ कन्याकुमारी पहुँच गए। क्या कर दिया आपने तो यार। एक गाड़ी यू टर्न लेके आ रही है। जब कोई यू टर्न लेके आता है ना, तो मुझे लगता है ज़्यादातर पहचानने वाले होते होंगे शायद। ये देखो, ये बढ़िया नज़ारे चल रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, कोई सेफ्टी का इशू लग रहा है क्या आपको? ओके, थैंक यू। आप कहाँ जा रहे हैं? सर, मैं जा रहा हूँ वापी। वापी? ओके, मुझे जाना है सूरत। ओके, थैंक यू। Okay.
अब नॉट येट, जोर का बंद करो। थैंक यू। अब वापी तक तो रात में पहुंचोगे फिर? नहीं अभी 180 किलोमीटर रह गया। 180? ओके। पहुंच गए अपने होस्ट के पास। ये मुंबई की हमको डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई थी, ये मुंबई जा रहे थे। वापी में 15 मिनट के ब्रेक के बाद ये लोग मुंबई जा रहे थे, पर मैं सोचा यार सूरत में ही रुकना ठीक है, आराम आराम से जाएंगे, जल्दी क्या कॉल कर लेता हूँ। हाय 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 हाय, तृप्ति हमको लेने आई है। तो तृप्ति हमको लेने आई कितने किलोमीटर से? 5 किलोमीटर। रेडी। तो पहुंच गए भाई अपने होस्ट के घर पे फाइनली, और आते हुए थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो गई थी क्योंकि बिना ब्रेकफास्ट करे निकला था सुबह, तो अभी फ्रेश फील कर रहा हूँ, नहा धो के खाना खा के सो गया था मैं। तो अब जा रहे हैं दोबारा चाय पीने बाहर कहीं पे। यहाँ पे सनशाइन है सर, बिल्कुल शांति है एकदम। और देखो इन्होंने भी ना ये भी यात्रा करते रहते हैं, लेह नेपाल काठमांडू भूटान सिक्किम बांग्लादेश कोलकाता। ये देखो क्या क्या इन्होंने भी पूरा मैप बना रखा है, इसके ऊपर इन्होंने कुछ लिख नहीं रखा वैसे, सिर्फ मैप बना रखा है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कुछ लिख के रखोगे ना तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे, लोगों की नज़र कैप्चर करता है उससे। ओके, आपने घूमना बंद कर दिया क्या फिर? हाँ मतलब घूमना मतलब हाँ। लास्ट टाइम कब गए थे कहाँ पे? एक साल पहले। कहाँ पे? लाचुन सिक्किम से। ओके चलो चाय वाय पी के आते हैं, शाम हो गई है। कभी ऐसा फ्रेश होने के बाद जब निकलते हैं ना मेरे को बड़ा सही लगता है यार, मतलब कभी कभी ऐसे होता है यार मैं पूरा दिन ट्रैवल कर रहा हूँ फिर ना होस्ट बोलते हैं कि चलो चलते हैं, भाई मैं मुँह से बोलता हूँ ना कई होकर के भाई मेरे को आराम कर नहीं बट इधर यहाँ घुमाएंगे यहाँ घुमाएंगे थका हुआ यार क्या इंजॉय करूँ। अच्छा मैं फ्रेश हूँ ना, मेरे जैसे कपड़े अभी धुलने यहाँ पे डल गए हैं, मेरे कपड़े फ्रेश हो जाएंगे, मतलब मेरा बैग फ्रेश हो जाएगा और मेरे एकदम मतलब आराम आराम कर लिया, फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो अब मैं ये जो छोटी सी चाय वाली है ना ये भी फ्रेश, यहाँ पे फेमस कोई जगह होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंजॉय करूँगा ऑटोमेटिकली क्योंकि मैं अंदर से पूरा फ्रेश हूँ और फील कर रहा हूँ अच्छा। लेकिन अगर मैं यात्रा करके आऊँ मेरे को क्या घूमना नहीं है भाई, तो मत घुमाया करो मेरे को, जो लोग मेरे को होस्ट करते हैं ना भाई कोई भी लोग इतना ज़्यादा चलो घुमा के ले, अरे नींद आ रही है भाई थोड़ा समझा करो यार, बड़ा ये हो जाता है कभी कभी। फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है हमें, ये देखो ग्रीनरी ये गांव जैसा है। हाँ मतलब गांव नहीं बोल सकते। खेत वेत है यहाँ पे। हाँ सब ये पहले सब खेती था। हाँ अब ये घर बन गया। हाँ देख रहे हैं घर अभी बने हुए, प्लॉट कटे हुए हैं। ओके चलो भाई इवनिंग ड्राइव, मजा आ रहा है, एनर्जी भी फील हो रही होगी आपको। देखो यार ऐसी शांत लोकेशन पे ऐसा चाय पीने का मजा ही अलग है। अभी मतलब वैसे भी हम समुंदर के आसपास ही हैं। अरे भाई हम समुंदर के से कितना दूर होंगे अभी? 30-40 है ना जी, आप रहेंगे 30-40 किलोमीटर का ना। 30-40 45 समुंदर। हाँ ओके। हाँ यहाँ पे फील आ रहा है थोड़ा नारियल के पेड़। हाँ और खाली है, शांत फ्रेश फील कर रहा हूँ। और फ्रेश फील करने का जो इम्पोर्टेंस होता है ना वो यार एक रेगुलर ट्रैवलर ही समझेगा मेरे कपड़े फ्रेश हो जाएंगे अभी होस्ट के यहाँ पे। तो जो आप लोग पूछते हो कि कपड़े कैसे होते हैं, तो कपड़े वाला भी ये आप पूरे व्लॉग्स देखोगे ना आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, किसी ना किसी व्लॉग में आपका जवाब होगा ही, चाहे आपका इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, एडिटिंग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, मैंने कैसे शुरुआत करी, मेरे बारे में पर्सनल मेरी डिटेल्स मैंने कहीं ना कहीं तो ज़रूर बता रखी है। सारी प्लेलिस्ट देखो जाके, प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके देखो। यहाँ पे देखो यार बड़ा ऐसे मन कर रहा है जाने का ही नहीं मन कर रहा, एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं, सो के उठा मैं अभी, मज़ा आ रहा है। चाय ब्रेक।
पता नहीं कभी कभी किसी बात के बिना ही भी मजा आता है। आप लोग पूछते हो ना कि कौन सी जगह पसंद आई आपको, ऐसे बहुत सारे लोग ये वाला सवाल पूछते हैं मेरे को। अरे भाई जगह जगह से मजा थोड़ी आता है, जगह का भी इम्पोर्टेंस होता है। जैसे ये खाली है एकदम, शोर नहीं है यहाँ पे, खाली है, उसका भी इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन उस जगह का नाम, अब मैं इसका नाम क्या बताऊँ यार, कि सूरत में ऐसे उसमें मजा, इसका जगह का देखो क्या नाम होगा ये तो एक गाँव जैसा है। तो कई बार जो फीलिंग होती है ना वो आपके अंदर से होती है, जो अच्छा लगना होता है वो अंदर से होता है यार। लोकेशन से सारा मौसम पे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है अच्छा लगना। तो कभी भी ये सवाल किसी से मत पूछो कि लोकेशन। तो ताजमहल पे तो इतना महंगा टिकट लगता है, लेकिन मैं अंदर गया था, धूप हो रही थी, कोई मज़ा नहीं आया। ऐसी बहुत सारी जगहें जो सब लोग बोले कि बेस्ट यार, यहाँ पे ज़रूर जाना, यहाँ पे जरूर, इतना सुना उसके बारे में, हाँ, लेकिन गए तो कुछ भी नहीं लगा। और यहाँ पे बिनबाद के मज़ा आ रहा है मुझे, क्यों हो रहा है ऐसा? सोचो, जगह का इम्पोर्टेंस सारा नहीं होता, जगह नहीं होती यार, जगह 100% नहीं होती, थोड़ा बहुत होता है उसका भी। पर फिर बात करनी है तो फिर एक्सपीरियंस की बोलो ना, कि एक्सपीरियंस कहाँ का अच्छा होगा, फिर लोकेशन की क्यों बात करनी है, उसका इम्पोर्टेंस तो शायद 10% होता होगा। मज़ा आ रहा है, कभी कभी ज्ञान पेलने का मन करता है मेरा, जब मैं फ्रेश फील अभी जैसे मैं आ रहा था ना, बहुत थका हुआ था, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया पूरा ठीक वहाँ से वहाँ तक, और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, अब अच्छा लग रहा है तो ज्ञान पेल मज़ा आ रहा है। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। आज हमें जाना है मुंबई, अभी हम हैं सूरत में। Oh, we all did you, so they will miss, 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 miss,